स्वागत है आप सभी का फैमिली गुरु के इस खास प्रोग्राम देवी के नौ रूप में। मैं हूं आपके साथ स्पिरिचुअल गुरु सुनैना और आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन यानी कि माँ महागौरी की पूजा वाला दिन यानी कि जो कि पड़ेगा 29 मार्च 2023 बुधवार को। चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी इस बार 29 मार्च 2023 को है। नवरात्रि के आठवें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि 28 मार्च 2023 शाम 7:02 से शुरू होगी। इसका समापन 29 मार्च 2023 को रात 9:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी का व्रत 29 मार्च 2023 को रखा जाएगा। इस दिन शोभन योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। शोभन योग 28 मार्च रात 11:36 को होगा, 29 मार्च प्रातः 12:13 तक। रवि योग होगा 29 मार्च रात 8:07 से 30 मार्च सुबह 6:14 तक। देवी दुर्गा के नौ रूपों में महागौरी आठवां शक्ति स्वरूपा है। दुर्गा पूजा के आठवें दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। महागौरी आदि शक्ति हैं। इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी हे माँ महा दुर्गा की आराधना से भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा देवी का भक्त जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बनता है। दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ से पराजित होकर गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना देवतागण कर रहे थे वह महागौरी देवी है। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ जिसके शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। यह देवी गौरी शिव की पत्नी है। यही शिवा और शांभवी के नाम से भी पूजी जाती हैं। अष्टमी के दिन माँ को नारियल का भोग लगाएं। नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। देवी महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। पूजा से राहु के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। नवरात्रि में माता महागौरी की पूजा के लिए क्या सामग्री होनी चाहिए आइए मैं बताती हूँ। माता महागौरी की फोटो या मिट्टी की प्रतिमा, माँ को चढ़ाने के लिए लाल चुनरी, कलश और घर के मुख्य द्वार के लिए आम की पत्तियां, चावल, एक आसन बैठने के लिए, माता पर चढ़ाने के लिए सिंदूर, दुर्गा सप्तशती की किताब, लाल कलावा, चंदन, गंगाजल, शहद, नारियल, कपूर, देसी घी, पान के पत्ते, लाल फूल विशेषकर गुड़हल का फूल या उसकी माला, सुपारी, लौंग, इलायची। दुर्गा पूजन अष्टमी महागौरी की कैसे पूजा विधि की जाती है आइए मैं वो बताती हूँ आपको। नवरात्रि के दिन कुंवारी कन्या भोजन कराने का विधान है परंतु अष्टमी के दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा की उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी देवी को पंचोपचार सहित पूजा करना है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी होती है। नवरात्र ही एक ऐसा पर्व है जिसमें माता दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की साधना करके जीवन को सार्थक बनाता है। ऐसी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए कुछ सरल पूजा विधि है जो कि अवश्य करना चाहिए। अधिक से अधिक नवारण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जाप करें। इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। 9 दिनों तक माता का व्रत रखें। अगर शक्ति ना हो तो पहले चौथे और आठवें दिन का उपास करें। माँ भगवती की कृपा जरूर प्राप्त होगी। माँ दुर्गा को तुलसी और दुर्वा चढ़ाना निषेध माना जाता है। पूजा के समय लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। लाल रंग का तिलक भी जरूर लगाएं। लाल कपड़ों से आपको एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अपने घर के पूजा स्थान में भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी और माँ सरस्वती की चित्रों की स्थापना करके उनको फूलों से सजाकर पूजा करें। 9 दिनों तक घर में माँ दुर्गा के नाम की ज्योत जरूर जलाएं। पूजन में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करना ही उत्तम होता है। आसन लाल रंग का और ऊनी होना चाहिए। लाल रंग का आसन ना होने पर कंबल का आसन भी काम में आ सकता है। पूजा पूरी होने के पश्चात आसन को प्रणाम करके लपेट कर सुरक्षित जगह पर रख दीजिए।
माँ को प्रातः काल के समय शहद मिला दूध अर्पित करें। पूजन के पास इसे ग्रहण करने से आत्मा व शरीर को बल प्राप्ति होती है। यह एक उत्तम उपाय है अगर आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा करना है तो। आखिरी दिन घर में रखी पुस्तकें, वाद्य यंत्रों, कलम आदि की पूजा जरूर करें। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करें। महागौरी की पूजा करते वक्त आपने कौन सा मंत्र बोलना है? माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप की पूजा अष्टमी को की जाती है। समस्त कष्टों को दूर कर असंभव कार्य सिद्ध करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का आपने जाप करना है। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर से होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। माता के देवी के नौ रूपों के एक और रूप के बारे में बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।